हेलो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो है माही नदी के बारे में। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंदा गांव के पास से होता है। मेहत झील से आगे निकलने के बाद माही नदी के नाम से जानी जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए बांसवाड़ा के खादू गांव के पास से राजस्थान में प्रवेश करती है। नरवाले तक पहुंचने के बाद इस नदी की दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी राजस्थान के तीन जिलों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से होकर बहती है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 का मैदान स्थित है। माही नदी पर डूंगरपुर के नवाटापुरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम स्थित है। यही बणेश्वर धाम स्थित है, जहां पर माघ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेला आयोजित होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहां पर माही नदी में सोम नदी और जाकम नदी आकर मिल जाती है। माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा, आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा और मेवल की गंगा के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन काल में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को पुष्प प्रदेश कहते थे। माही नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध माही बजाज सागर बांध, यह बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बनाया गया है। इसकी लंबाई 3109 मीटर है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कागदी बिकप बांध बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कडाना बांध गुजरात राज्य में स्थित है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में चौथा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, जो कि 9.46% है। माही नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 16,630 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के पांच जिलों में फैला है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर में। माही नदी की सहायक नदियाँ तलाई, कागदा, पुंदिया, इरू, मुदर, सोम, नोरी, चाप, मोरेन और अनास नदी। ध्यान रहे कि मोरेन नदी माही की सहायक नदी है, जबकि मोरेल नदी बनास की सहायक नदी है। माही नदी पर स्थित माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इसी की सहायक नदी जाखम पर जाखम बांध, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। सोम नदी पर सोम कागदर बांध उदयपुर जिले में है और सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर जिले में है। माही नदी से ही भीखाभाई सागवाड़ा नहर निकाली गई है, जिससे डूंगरपुर का सागवाड़ा क्षेत्र लाभान्वित होता है।